आज जिस समय जर्नी होने जा रही है वो यही बस है, मेट्रो 3x2 की पूरी सीट होने वाली है। आप ये देख रहे हैं, ये हमारी बस की लाइव स्पीड है। फाइनली हमारी बस पहुंच चुकी है ढाबे पर। भाई अभी मैंने यहाँ पे पराठा ऑर्डर करा आलू का, जो कि मुझे पड़ा 70 रुपए का पराठा है। पहुंच गया हूँ ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे, और अगर आप बाय बस आते हैं तो बस आपको जस्ट यहीं उतार से बात करूँ मंदिर के डिस्टेंस की तो मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अभी आप बोटिंग देख रहे हैं भाई, यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से जस्ट मंदिर तक जाने के लिए ये 50 रुपए चार्ज करते हैं। हे गाइस, मैं हूं जीतू और फिर से आपका स्वागत है एक नए कमाल के ब्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपको उज्जैन से ओमकारेश्वर की एक बस जर्नी दिखाने वाला हूं, और साथ साथ आपको बताऊंगा कि आप बाय बस उज्जैन कैसे जा सकते हो, बसों के क्या टाइमिंग है, कितना किराया लगने वाला है, और बस से आप कितनी देर में ओमकारेश्वर पहुंच जाओगे, और वहां पहुंच के किस तरह का व्यवस्था है स्टे करने का। छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने का बाय बस, तो आप बिल्कुल राइट वीडियो पे आए हो। बाकी अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं यही बस है जिससे आज हमारी जर्नी होने जा रही है। तो चलिए आज मेरे साथ करिए उज्जैन से ओमकारेश्वर की बस जर्नी, और वीडियो कमेंट में हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। उज्जैन से ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बगल में ही बड़ा गणेश मंदिर है, वहां से 2 से 3 काउंटर मिल जाएंगे जो कि उज्जैन से ओमकारेश्वर की प्राइवेट बस रन करते हैं। और वहीं बात करूं यहां पे बसों की टाइमिंग की, तो बस मॉर्निंग में 6:50 पहले बस चलती है और लास्ट बस आपकी दोपहर के 3:50 की है। तो हर एक घंटे के बीच में बसों की यहाँ पे सर्विस है। अब बाकी आप देख रहे हैं आपको यहीं से आपको ओमकारेश्वर जाने के लिए बस मिल जाएगी, और आज जिस समय जर्नी होने जा रही है वो यही बस है और इससे हमारी जर्नी होने जा रही है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको बस का पूरा अंदर का इंटीरियर वगैरह दिखाते हैं किस तरह से पूरी बस होने वाली है। तो ये हमारी बस है, बात करूँ इस बस की कुछ इस तरह का सीटिंग अरेंजमेंट है, 3x2 की पूरी सीट होने वाली है और इस तरह से यहाँ पर सामान रखने का ऑप्शन भी है। तो आज हमारी जर्नी होने जा रही है इस तरह से पूरी बस में होने वाली है। और भाई ये है अपना ड्राइवर का कैबिन, ये देखिए कुछ इस तरह से, और ये हमारी पूरी बस यहाँ पे होने वाली है। तो इसकी लोकेशन की तो देख सकते हैं, ये होटल है जहाँ से आपको सामने से बसेस मिल जाती हैं। भाई अभी आप टाइम देख रहे हैं 10:46 हो रहे हैं और हमारी बस निकल चुकी है अपने स्थान से, अपनी जगह से, और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें ओमकारेश्वर पहुँचने में। और वहीं बात करूं उज्जैन से ओमकारेश्वर का डिस्टेंस का, तो 160 से 170 किलोमीटर का डिस्टेंस पे है। तो इसे करने में बस को अप्रोक्स 3.5 से 4 घंटे का टाइम लगता है, और ये सफ़र आपका मतलब जो बस आपको लेके जाती है वही बस आपको लेके भी आती है। बाकी आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो सिर्फ जाने जाने का ही कर सकते हैं या चाहें तो आप जाने आने दोनों कर सकते हैं, और उसके बाद आप करेंगे ओमकारेश्वर के दर्शन। बाकी अभी आपको मैं वीडियो में आगे बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से उज्जैन से जाते हैं ओमकारेश्वर कितना फेयर होने वाला है बस का। तो 15 से 20 मिनट चलने के बाद अभी हमारी बस रुक गई पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे हमारी गाड़ी का डीजल भरेगा और डीजल भरेंगे फिर हमारी गाड़ी चलने वाली है। बाकी आपको दिखा दूँ, देखिए हमारी बस है भाई जिससे आज हमारा सफर होने वाला है, सिंपल सी बस है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। बाकी अभी टिकट कट रहा है, टिकट कटने के बाद आपको बताऊँगा टिकट कितने का हमारा होने वाला है। तो देखिए पेट्रोल पंप पे, बाकी देखिए यहाँ से व्यूज़ पॉइंट कितना खूबसूरत सा नज़ारा है भाई, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है भाई सामने देखिए। बाकी चलिए 2 मिनट रुकेगी बस, बाकी डीजल भर गया हमारी बस का। अंकल जी रहिए, जाने आने का भी कट जाएगा क्या वैसे? उधर से आने में वापस दे दीजिए भाव जी। बात करूं मैं बसों के किराए की, तो अगर आप एक नॉन एसी बस से जाते हैं जिसमें आपका आना और जाना अगर दोनों करते हैं तो आपका जो टिकट प्राइस लगने वाला है 350 रुपये, और वहीं अगर आप सिंगल वे करके जाते हैं तो वो किराया आपका लगेगा 250 रुपये। अब बात करूं एसी वाली बस की किराए की, तो उसका आपका किराया लगने वाला है 300 रुपये। अगर आप आना और जाना दोनों करते हैं तो उसका किराया आपका होगा 350 रुपये। तो ये बस किराया यहाँ पर होने वाला है अगर आप उज्जैन से ओमकारेश्वर की बस जर्नी करते हैं। अब बात करूं इस बस की लोकेशन की, तो बस कहां से मिलेगी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बस का लोकेशन दे दूंगा कि बस आपको कहां से मिलने वाली है। तो आप आराम से वहां पहुंच के बस में बैठ के आराम से टिकट कटवा सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, काफ़ी सारी बसेस चल रही हैं नॉन एसी एसी, तो आप आराम से सीधा डायरेक्ट जाइएगा, अपने हिसाब से सीट लेके बैठ जाइएगा। अभी आप ये देख रहे हैं ये हमारी बस की लाइव स्पीड है, और बात करूँ इसकी मैक्सिमम स्पीड की तो वो 75 से 80 के बीच में रहती है, और वहीं बात करूँ एवरेज स्पीड की वो है 45 से 40 के बीच में, तो काफ़ी डिसेंट स्पीड है। और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमारी बस को किस तरह की स्पीड से अगर चलेगी तो ओमकारेश्वर पहुँचने में।
और अभी आप एक काम देख रहे हैं, सारा काम चल रहा है, ये मेट्रो काम चल रहा है इंदौर में। इन केस अगर आपको उज्जैन से डायरेक्ट बस नहीं मिलती है किसी कारणवश, अगर आप लेट हो जाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, उज्जैन से इंदौर बस स्टैंड तक आ सकते हैं। इंदौर से ओमकारेश्वर के लिए बहुत सारी बसेस हैं, तो आप जिम से लेके इंदौर से ओमकारेश्वर भी पहुंच सकते हैं। ये आपका है सेकंड वे अगर आपको उज्जैन से बस नहीं मिलती है। हमारी बस चल रही है, ये है मुंबई, हाँ मुंबई एक्सप्रेस वे, जिससे अभी हमारी बस जा रही है और अभी हम हैं इंदौर में। और इंदौर जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी की कैटेगरी में आता है, वो डेफिनेटली है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ की साफ सफाई देख लीजिए कितनी ज़्यादा, ये बिल्कुल साफ सुथरे रोड देखेंगे आपको, एक भी जरा सी भी आपको इस रोड पर धूल देखने को नहीं मिलने वाली है। अभी हमारी बस इंदौर सिटी से निकल चुकी है बाहर और अब दूसरा रास्ता आ गया है, जो कि अभी बात करूँ यहाँ से डिस्टेंस की, तो अभी भी अच्छा खासा 124 से 125 किलोमीटर का भी डिस्टेंस रह गया है भाई। और उसके बाद से जो रोड है भाई कुछ इस तरह से पूरे हो गए हैं भाई, देखिए। और इससे पहले जब मैं आया था यहाँ पर सिंगल लेन रोड था, अब बाकी इसको डबल लेन बना दिया गया है। तो गाइस फाइनली हमारी बस पहुंच चुकी है ढाबे पर। सो गाइस मॉर्निंग में हमारी बस 10:45 चली थी, इस समय 1:10 हो रहे हैं, तो ढाई घंटे चलने के बाद हमारी बस पहुंच चुकी है ढाबे पे। और हमारी बस ने 90 किलोमीटर का करीब डिस्टेंस तय कर लिया है और अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस रह गया है। बाकी अभी जो इंदौर के बाद का जो सिंगल वाला जो रोड है वो सिंगल वे रोड है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, मान लो 30-40 की स्पीड आ रही भी एवरेज की। बाकी हमारी बस खड़ी है यहाँ पे, चलिए चलते हैं और ढाबे करते हैं पहले लंच, क्योंकि भूख भाई बहुत तेज लगी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो चलिए चलते हैं, पहले देखते हैं और दिखाते हैं किस तरह यहाँ पे आपको खाना मिलने वाला है, अगर आप खाने पीने का सिस्टम देखते हैं यहाँ पे। ये देख रहे हो ये ढाबा है जिसमें अभी हमें लंच करने जा रहे हैं, और दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पे अगर आप आते हैं इस बस से। तो आप देख रहे हैं ये इस तरह का ढाबा भाई, और खाने पीने की काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मुझे फिलहाल अभी यहाँ पे दिख रही है, और खाने की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे सामने देख रहे होंगे इस तरह का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट है भाई, और ये देखिए यहाँ पर आपको चाय नाश्ता मिल जाएगा, प्रॉपर लंच भी ले सकते हैं, प्लेट का सिस्टम भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और ये देखिए सामने प्राइस लिस्ट दिख रहा होगा, आलू पराठा 70 रुपये है, प्याज पराठा 70 रुपये है, इस तरह से आप देख लीजिए कि खाने पीने की व्यवस्था है। बाकी इस तरह के आपको पाव भाजी, चाउमिन, मैगी, तो चाइनीज़ फूड भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ नाश्ते में कचौड़ी, समोसे, बड़ा यहाँ खा सकते हैं। और ये आप देख रहे हो ये भाई, ये प्राइस लिस्ट है हमारा इस होटल का, ये इस तरह से प्राइस लिस्ट है भाई। यहाँ प्लेन रोटी आपकी 12 रुपये की है, और बटर रोटी तब 15 रुपये की, इस तरह से, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बताऊँ सब्जियों की, सब्जी भाई बहुत महंगी है यहाँ पे, देखिए सिंपल आपको मटर पनीर मिल जाएगा 200 का यहाँ पे, और इस तरह से देखिए स्टार्टिंग सब्जी की यहाँ पे 200 रुपये से भाई। हमारा यहाँ पे आगे पराठा, ऐसे अभी मैंने यहाँ पे पराठा ऑर्डर करा आलू का, और ये आलू का पराठा है, और इस तरह से रायता, और यहाँ पिकल्स मिला है जो कि मुझे पड़ा 70 रुपये का पराठा है। इस ढाबे के जस्ट आपको बाहर ही काफ़ी सारे सूप दी जाएंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इस समय भुट्टे का सीजन होगा, तो काफ़ी जगह आपको भुट्टे सिकते मिल जाएंगे 30। और बाकी अभी घड़ी में 1:50 के करीब होने वाले हैं, और आधे घंटे के बाद फिर सब हम निकल रहे हैं अपने चढ़ने की तरफ। फिर से हमारी बस निकल पड़ी अपने सफ़र के लिए भाई। We'll be right back.
सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूं ओमकारेश्वर बस स्टैंड पे, और अगर आप बाय बस आते हैं तो बस आपको जस्ट यहीं उतारती है। अब बात करूं मैं, मुझे कितना टाइम लगा यहां पहुंचने में, तो हमारी बस 10:46 चली थी और घड़ी में अभी 3:20 हो रहे हैं, तो मोटा मोटा हमें 4.5 घंटे का टाइम लगा है। तो अगर आप कभी भी उज्जैन से ओमकारेश्वर आएंगे बाय बस तो 4.5 घंटे का टाइम लगने वाला है, और बस आपको इसी पॉइंट पर छोड़ती है, और यहाँ से मंदिर 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आपको इस तरह से देख सकते हैं पीछे शेयरिंग ऑटो मिल जाएंगे जो कि आपको 20-20 रुपये चार्ज लेंगे, और जो कि बस जस्ट आपको मंदिर के सामने छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं और ऑटो करके पहुँचते हैं मंदिर के जस्ट पास में, और आपको कराते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अगर आप किसी भी लोकेशन से आते हैं तो जस्ट आप बाय बस यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से बात करूँ मंदिर के डिस्टेंस की तो मात्र 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस तरह से आप ई रिक्शा करके जो आपसे 20 रुपीज़ चार्ज लेने वाले हैं मात्र 5 से 6 मिनट में आपको मंदिर के जस्ट बाहर छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं और अपनी यात्रा आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप ओमकारेश्वर से बाय ऑटो आते हैं तो जस्ट आपको ऑटो वाले ये उतारते हैं, ये वही पॉइंट है जहाँ से आपको फिर पैदल जाना है, और जस्ट आप सामने देख रहे हैं, सामने आपको दिख जाएगा श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, तो आप यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अभी हम जाने वाले हैं ओमकारेश्वर मंदिर, जिसका रास्ता जस्ट इस मंदिर के बगल से ही है। ओमकारेश्वर में धर्मशाला और होटल्स की फैसिलिटी है, लेकिन मोस्टली भक्त सेम डे में ही दर्शन करके यहाँ से चले जाते हैं। फिर भी अगर आप यहाँ स्टे करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको नॉन एसी रूम आपको 1000 से लेकर 1500 के बीच मिल जाते हैं, और वहीं एसी रूम 2000 से लेकर 2500 के बीच में मिल जाते हैं। और वहीं बात करूँ मैं धर्मशाला की, तो वो उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है 700 से 1000 के बीच में इजिली मिल जाते हैं। बाकी अभी आप ये बोटिंग देख रहे हैं भाई, यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से जस्ट मंदिर तक जाने के लिए ये 50 रुपये चार्ज करते हैं। बाकी 100 रुपीज़ में आपको, जैसे देख रहे होंगे आप ये नाउस हैं, इस तरह से आपको एक राउंड घुमा के ले आते हैं, उसका आपको 100 रुपये चार्ज ये लेते हैं। तो आप चाहें तो बोट से भी घाट के उस पार जा सकते हैं, और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, और साथ साथ देख सकते हैं एक ब्रिज ये है, ठीक है, जिससे आप जा सकते हैं, एक जस्ट ब्रिज वो है। तो दो ऑप्शन है यहाँ पे मंदिर के पास जाने के लिए, तो अभी मैं जाने वाला हूँ इस ब्रिज की तरफ से, और काफ़ी अच्छा व्यूज यहाँ से आने वाला है। इस पॉइंट से आपको दो रास्ते दिख जाते हैं, देखिए स्काई वॉक, यहाँ से आप उस ऊपर जाके पुल से होके फिर आप जाएंगे ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ, ठीक है। और जस्ट ये बगल में रास्ता दिख रहा है, ये जा रहा है घाट की तरफ। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं स्काई वॉक, जहाँ से हम करेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन। पहले आप जैसे स्काई वॉक पार करेंगे तो आपको इस तरह से एक बहुत घनी मार्केट दी जाएगी, जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और बच्चों के खिलौने ले सकते हैं, और माला चूड़ी वगैरह बैंगल्स चूड़ी ले सकते हैं बच्चों के खिलौने, इस तरह से काफ़ी घनी मार्केट है भाई ये। और अभी आप इस सामने ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज जाता है नदी के ऊपर से और जस्ट जाके मंदिर में कनेक्ट होता है। ये देखिए लिखा हुआ है श्री ओमकारेश्वर मुख्य प्रवेश द्वार, तो यहीं से आपकी एंट्री होगी जब भी आप यहाँ से आएंगे तो। और जैसे आप इस ब्रिज पर आएंगे, जब तक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे उस साइड आपको दिख जाएगा बांध, वो बांध है, और अभी फिलहाल तो पानी यहाँ सूखा हुआ है इस नदी का, अदरवाइज भाई पानी बहुत साफ होता है। और इस पॉइंट से ये देख सकते हैं नदी कितनी खूबसूरत लग रही है भाई, देखिए उस साइड बांध है पूरा पूरा, और जस्ट इस साइड देखिए सेम ऐसी पुल सामने बना हुआ है, बट वो पुराना वाला है जो उस साइड है, और जो ये है जिसमें हमें वो नया वाला, बाकी सामने है मंदिर। आप इस ब्रिज से आएंगे, ब्रिज से जस्ट बगल में आपको इस तरह से जूते चप्पल रखने का ऑप्शन मिल जाएगा, 5 रुपये प्रति शुल्क लगता है, और अपने जूते चप्पल उतार के जस्ट सामने ही है मंदिर की तरफ जाने का रास्ता, फिर आप अपने दर्शन करने जा सकते हैं। जस्ट बगल में पेयजल की फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी आप चाहें तो यहाँ बगल से प्रसाद भी ले सकते हैं, आपको प्रसाद मिल जाएगा। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, देखिए उस टाइम मैं उस घाट पर खड़ा था, वहाँ से इस तरह से स्काई वॉक से ऊपर आते हुए और सामने ब्रिज था, इस ब्रिज को पार करके जस्ट अभी सामने इस वाले रास्ते पर आ गया हूँ, और जस्ट अब ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ। तो काफ़ी भाई मैं लग गया हूँ लाइन में, इसमें उन लाइन देख लीजिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है भाई।
और मैं वहीं बात करूं मंदिर की टाइमिंग की, तो मंदिर सुबह 4:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ओपन हो जाता है और वहीं रात को 9:30 बजे तक ओपन रहता है। तो आप इस बीच में मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं। और दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में मंदिर बंद रहता है और शाम को 4 बजे से लेकर 4:30 तक मंदिर बंद रहता है। तो इस टाइम के बीच में जाने से बचिएगा, क्योंकि उस समय लाइन ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो गाइस, फाइनली मैंने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए हैं और मुझे दर्शन करने में मात्र 30 मिनट का ही टाइम लगा है। तो जब भी अगर आप यहाँ का प्लान करके आएंगे, तो अगर आप टाइम से पहुँच जाएँ तो अपना दर्शन फ्री में ही होगा। यहाँ पे कोई पेड़ दर्शन नहीं है और फ्री दर्शन करिएगा, आराम से दर्शन हो जाएंगे, जैसे मैं आया हूँ नॉर्मल डे पे। हाँ, अगर आप सावन में आते हैं तो ये टाइम आपका 2 से 3 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि सावन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। बाकी नॉर्मल डे पे आएंगे तो आपको आधे से 1 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। और बात करूँ टाइमिंग की, तो पहला जो जैसे 1 बजे के बाद से थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद होता है 1/2 घंटे के लिए, फिर आपका मंदिर खुल जाता है। उसके बाद फिर मंदिर बंद होता है 4 बजे और 4:30 तक बंद रहता है, उसके बाद फिर मंदिर खुलता है। तो ये टाइमिंग के बीच में अगर आप आएंगे थोड़ी सी भीड़ मिल सकती है, अदरवाइज तो आपका दर्शन आराम से हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के बाद अभी हम आ गए हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, और जब भी आप यहाँ पे आए तो ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं और करते हैं दर्शन। और जस्ट सामने देख रहे हैं ये टेंपल है। अभी आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग और अभी हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बाकी अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए आपको यहीं से मैं दर्शन करवा रहा हूँ। तो चलिए मैं कर लेता हूँ दर्शन और फिर आपसे मिलते हैं आगे वीडियो में। और इस मंदिर में आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलने वाली, तो आपके दर्शन भी यहाँ पे आराम से हो जाएंगे भाई। यहाँ पर एक परिक्रम मार्ग है जो कि लगभग 7 किलोमीटर करीब है, और अगर आप यहाँ पे डे ट्रिप ना करके पूरे दिन रुकने वाले हैं तो डेफिनेटली आप परिक्रमा करेगा, अच्छा लगेगा आपको और काफी दुर्लभ नज़ारे देखने को मिलेंगे, आपको मन को शांति मिलेगी। और जो ये 7 किलोमीटर की परिक्रमा है ये ओम के आकार की है। अगर आप यहाँ का ड्रोन सूप या हेलीकॉप्टर सूप देखेंगे ऊपर से, तो आपको पूरा ओम कार की आकृति दिखने वाली है, इसलिए इस जगह को ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मैं आपको ओमकारेश्वर दर्शन करवा दिए हैं। अब बात अगर ये बजट की कि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कितना खर्चा होने वाला है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपका जो ट्रांसपोर्ट खर्चा होने वाला है वो होने वाला है 150 रुपए करीब अगर आप इंदौर से आते हैं, और अगर आप उज्जैन से आते हैं तो आपका बस का किराया 400 रुपए करीब हो जाएगा। तो मैं मैक्सिमम लेके चलता हूँ 500 रुपए किराया ट्रांसपोर्ट का हो गया आपका, और होटल से यहाँ पे आपको 500 रुपए में इजिली मिल जाएंगे, काफी अच्छे होटल मिल जाते हैं यहाँ पे 500 रुपए में, और एड ऑन कर लीजिए। और फूड और मील्स की बात रही यहाँ पे, तो आपके 250 से 200 के बीच में आप इजिली आराम से आप फूड ले सकते हैं और आराम से आपका हो जाएगा। बाकी इसको भी मैं एक्स्ट्रा लेके चल लेता हूँ, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा खाने को मिल करता है तो 500 रुपए। तो जो टोटल ओवरऑल खर्चा होगा हमारा मैक्सिमम 1500 से ऊपर नहीं होने वाला। बाकी मैं इसमें होटल खर्चा जोड़ रहा हूँ, तो अगर आप डे ट्रिप आएंगे तो होटल खर्चा हटा दीजिए, तो आपका 700 से 800 रुपए में इजिली यहाँ पे पूरा एक बजट टूर हो सकता है।